एक करोड़ का फंड छोटा नहीं होता, और मेजर जनरल क्योंकि आपका आर्मी का बैकग्राउंड है, आप बताइए कि ये किस तरह से मददगार साबित होता है आतंकवादियों को, और सेना के लिए कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है जब फंडिंग लेकर सीमा पार कर जाएं आतंकवादी। तो ये जो खुलासा पीओके के नेता ने किया है कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा कि एक टेलीविजन इंटरव्यू में जनरल परवेज मुशर्रफ ने इस बात को माना था, एडमिट किया था जो एंकर था उससे कि वी विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 cuts। ये उसकी पॉलिसी रही है और वो टेररिज्म उसका स्टेट पॉलिसी है जो कि मॉनिटर होता है पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के द्वारा। अब रहा फाइनेंशियल सपोर्ट और टेरर फाइनेंसिंग। टेरर फाइनेंसिंग देखिए, जिस देश में लोग 52% या तो गरीबी रेखा के नीचे हैं या गरीबी रेखा के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, वो देश विकास क्यों नहीं कर पा रहा है, उसका मुख्य कारण है कि वो टेरर सेंट्रिक स्टेट है और फॉरेन पॉलिसी है आतंकवाद, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, उसकी पूरी सोच आतंकवाद पे चलती है। तो उस देश का विकास कैसे होगा, आर्थिक स्थिति उसकी कैसे बढ़ेगी, और चाहे अमेरिका का कोलिशन सपोर्ट फंड हो, चाहे अभी लेटेस्ट जो 700 मिलियन जो अमेरिका दे रही है पाकिस्तान को कंडीशनल सपोर्ट कि आप अपना आतंकवाद की एक्टिविटी को ब्रेक लगाइए। और मुझे तो ताज्जुब लगता है कि एक 20-22 करोड़ की छोटा छोटा देश एक अमेरिका ऐसे शक्तिशाली देश को राइड के लिए ले जाता है, घुमा देता है और अमेरिका के लोग घूम जाते हैं। ये बहुत दुख की बात है कि बार बार वो कहते हैं कि आप टेरर को कंटेन करो, उस पर रोकथाम लगाओ, और यूनाइटेड नेशंस में हाफिज सईद के अगेंस्ट एक्शन होता है उसको चाइना ब्लॉक कर देता है, उसको 10 crore के 10 billion का उस पर रिवॉर्ड रखा जाता है, और सब लोग जानते हैं कि ऐसे हाफिज ऐसे सईद लोग ऐसे ऐसे पाकिस्तान में पाकिस्तान आदमी पनाह दे रही है जी। कुछ नहीं होता इस देश को। तो यदि मुझे तो लगता है कि जो लीग ऑफ नेशंस का फेलियर का कारण था वही यूनाइटेड नेशंस का फेलियर का कारण होगा, और इस तरह से यूनाइटेड नेशंस यदि इनएफेक्टिव रही पाकिस्तान के संदर्भ में तो तीसरा वर्ल्ड वॉर बहुत दूर नहीं है और वे दस्तक दे रहा है, और उसका मुख्य कारण होगा, मुख्य कारण ये होगा कि पाकिस्तान को कंट्रोल करने में जो भी कारण हो, चाइना फैक्टर हो, कोई भी फैक्टर हो, कोई भी परेशानियां हो विश्व के लिए, लेकिन जब तक पाकिस्तान को हम कंट्रोल नहीं करेंगे। देखिए अभिलाषा जी, बार बार लोग मुझे मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं जी, इसका फाइनल सोल्यूशन क्या है, जो हमारे साथ पढ़े हैं खेले हैं, मैं यही कहना चाहता हूं, हमारी जो हमारे फौज के जो लेडीज हैं वो विधवाएं होती रहेंगी, पाकिस्तान ये करता रहेगा जब तक पाकिस्तान इस विश्व पे एज ए स्टेट एग्जिस्ट करेगा।